नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। दरभंगा जिला के नेहरू मैदान में है और आज दरभंगा के कलेक्टर त्यागराजन ने अपने हाथों से मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत कुछ लोगों को 90% सब्सिडी वाले वाहन वितरण किए हैं, जो लोगों को मखाना और मछली के उत्पाद में काम आएगा। देखिए विशेष कवरेज, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम देखे हैं आपका जो बहेड़ी बेनीपुर रोड में जो बाएं थे वो 8 है चलिए वहाँ सर, 8 है सब सक्सेस आप वहाँ सर। क्या उसमें क्या कर रहे हैं? मिलियन एक एक से दस, 8 से 10 मिलियन पर ईयर सर। अच्छा, लगभग सर 24 एकड़ में सर वाटर एरिया है सर। अच्छा, प्राइवेट हैं? जी सर प्राइवेट। आप लोग सब्सिडी सर? सब्सिडी भी सर उस समय सब्सिडी अमाउंट बहुत कम था सर, 80,000 रुपया सर 2007-08 में सर विभागीय योजना से ही हैचरी बनी। अभी क्या है हैचरी से कितना सब्सिडी है? अभी सर 11.5 लाख रुपया हो गया। 22 लाख का यूनिट को 22 लाख यूनिट को कितना एकड़ का सर? मिनिमम वाटर एरिया सर 3 एकड़ का मिनिमम 3 एरिया। जो मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना के तहत वाहनों का मछली और मखाना परिवहन के लिए वाहनों का वितरण किया गया है। इस योजना के तहत 90% सब्सिडी मिल रहा है और प्रति साल का टारगेट फिक्स है। तो पिछले साल का जो टारगेट है मार्च के पहले अभी वितरण हो रहा है। मुझे खुशी है कि कहीं मछुआ को फिशरमैन को सजग करके उन लोगों को वितरण किया जा रहा है और यह उन लोगों को मछली ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन में काफ़ी सहूलियत दे सके। किस तरह के ये जो है? जी हमको परिवार को मिला है। किस योजना के तहत मिला? मत्स्यजीवी सहयोग समिति के द्वारा मिला है 90% अनुदान के तहत। इसके प्राप्त करने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया थी? प्रक्रिया नहीं समझ, मतलब क्या किस तरह से इसको? ऑफिस गए, मत्स्यजीवी ऑफिस गए, उसमें हमको मिला और मिला, उसके बाद हम लोग अप्लाई किए। कब अप्लाई किए थे? कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले, 4 महीना। तो क्या लग रहा है इससे आप व्यापार करने में काफ़ी सहूलियत आपको मिलेगा? हाँ मिलेगा। किस तरह का व्यापार करते हैं? मछली का करते हैं, मखाना का करते हैं। तो इससे क्या लग रहा है सरकार की ओर से जो मिला है तो इससे काफ़ी आप लोग को राहत मिलेगा? हाँ मिलेगा, राहत मिलेगा। क्या अभी देखिए सर,